بسم الله الرحمن الرحيم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي शुरू करते हैं क्लास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद व अकरम फरजहुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन وصلی اللہ محمد علی طیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم بے شک یہ قرآن हिदायत करता है ऐसे रास्ते की जो बहुत पायदार और मुहकम रास्ता है। अयाम फातिमिया की मुनासबत से आपकी खिदमत में तसलियत अर्ज करते हैं कि एक रवायत के मुताबिक जो कि 75 दिन रसूल खुदा की वफात के बाद जो 75 दिन वाली रवायत है इसके हिसाब से 13 जमादुल अव्वल को बीबी की शहादत के अयाम और फिर अयाम फातिमिया की लिहाज से अयाम को मनाया जाता है 13 जमादुल अव्वल से लेकर 3 जमादुस्सानी तक और मशहूर कौल की बुनियाद पर 3 जमादुस्सानी यानी रसूल खुदा की वफात के 95 दिन बाद तक की शहादत है। तो इसलिए अयाम फातिमिया में है अल्लाह ताला में बीबी हज़रत फातिमा ज़हरा की मारफत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और उनके चाहने वालों में से करार दे। आज हम सूरह यूसुफ का आगाज करेंगे। सूरह यूसुफ कुरान करीम की उन अहम सूरतों में से है कि जिसमें एक नबी जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है उनका वाक़िया तफसील के साथ बयान हुआ है और इसी वजह से इस सूरत को सूरह यूसुफ़ का नाम दिया गया है। मक्का मुकर्रमा में ये सूरत नाज़िल हुई और 111 आयात है। मामूलन मक्का में जो सूरतें नाज़िल हुई वो छोटी हैं, आयात की तादाद कम है, लेकिन सूरह यूसुफ़ निस्बतन दूसरी सूरतों से बड़ी सूरत है। और सूरह यूसुफ की अहम खसूसियत यह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा इस सूरत में मुकम्मल तौर पर एक तफसील के साथ मौजूद है और एक मुकम्मल दास्तान की सूरत में। हालांकि दीगर अम्बिया मसलन हज़रत मूसा हज़रत ईसा या दीगर अम्बिया हज़रत नूह हज़रत इब्राहिम का तज़किरा एक साथ एक तफसील के साथ मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ सूरतों में जो अलग अलग जो है वो हिस्सों में बयान हुआ है, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ जगहों पर बयान हुए हैं। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो वाक़िया ये पूरी तफसील के साथ पूरे कुरान में 27 बार हज़रत यूसुफ़ का नाम आया है और 25 बार इसी सूरत में हज़रत यूसुफ़ का नाम मौजूद है। और यानी पूरा वाक़ इब्तिदा से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब देखना और फिर उसकी ख्वाब की ताबीर तक मुकम्मल जो है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा और अहसनुल क़सस कहा है कुरान करीम ने इस सूरह यूसुफ़ को के बेहतरीन किस्सों में से बेहतरीन किस्सा जो है वो बयान किया गया है। और उसकी वजह यह है कि एक साथ बयान करने की वजह शायद ये है कि चूँकि ये इस किस्से और इस वाक़े के
पहलू इतने आपस में एक दूसरे साथ मरबूत हैं कि अगर एक हिस्सा बयान किया जाता और दूसरा हिस्सा बयान नहीं किया जाता तो बात नाकिस रह जाती। क्यों हज़रत यूसुफ ने ख्वाब देखा, अब इस ख्वाब की ताबीर कैसे रूनुमा हुई और कब कैसे जो है वो हज़रत यूसुफ उस मकाम तक पहुँचे जो उन्होंने ख्वाब देखा था कि फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा या बते, मैंने ख्वाब में ये देखा है कि जो है एक सूरज और 11 सितारे देखे हैं और मैंने ये देखा है कि वो सितारे जो है वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो जो है वो इससे जो ताबीर हजरत याकूब ने की कि आप जो है वो उस मकाम पर मंजिल पे पहुंचेंगे कि आपके भाई जो है वो आपके सामने सजदा रेज होंगे और आपके सामने झुकेंगे, तो ये तमाम दास्तान जो है वो ख्वाब की ताबीर को बयान करते हुए एक मकाम तक पहुंचाना था। तो इसीलिए एक साथ वाक़े का तज़किरा किया गया कि अगर अलग अलग तज़किरा किया जाता तो वो बात मुकम्मल ना होती। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ख़ुसूसन जवानों के लिए एक हुज्जत और इबरत का बायस है और कि किस तरह से इंसान सख्त तरीन हालात में और मुश्किल तरीन हालात में भी अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकता है और अपने आप को पाकीज़ा रख सकता है। और ये भी है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ये जो सूरह यूसुफ़ है, सूरह यूसुफ़ को इस सबब नुज़ूल जो बयान किया गया वो ये है कि मुशरिकीन मक्का ने या मुशरिकीन ने उन मक्का को यहूदियों ने ये कहा कि आप जो है वो आपके नबी जो कि आपके दरमियान एक नबी है मबूस हुए हैं और उन्होंने रिसालत का दावा किया है, तो इनसे ज़रा जाके पूछो कि किस्सा यूसुफ़ क्या था, क्योंकि यहूदियों को ने अपनी किताबों में तो कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में, दास्तान यूसुफ़ के बारे में, और उनको मालूम था कि मक्का वाले जो है वो इससे बेखबर हैं, तारीख से, अरब की तारीख से बिल्कुल बेखबर हैं। तो मुशरिकीन मक्का ने आके रसूल खुदा से सवाल किया कि आप बताएं कि किस्सा यूसुफ़ क्या है, दास्तान यूसुफ़ क्या है। यानी ये गुज़श्ता जो ख़ुसूसन यहूदी अहले किताब जो थे इनके यहाँ हज़रत यूसुफ़ की दास्तान मौजूद थी, लेकिन उस तफसीर के साथ जो कि कुरान ने बयान की और इस खूबसूरती के साथ मौजूद नहीं है, और बल्कि अता उन्होंने तहरीफ शुदा तौरात में हज़रत यूसुफ़ की तरफ गलत बातों की नस्बत भी दी है जो कि एक नबी की शान के लायक नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से ये सूरत नाज़िल हुई जिसमें तफसील के साथ नबी को आगाह किया गया और जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े का तज़किरा तफसील के साथ मौजूद है। इस सूरत के बारे में कुछ बाज़ रवायात हैं कि ये सूरह यूसुफ़ जो है वो अपनी ख्वातीन को या अपने बच्चियों को तालीम ना दो और बजाय इसके सूरह नूर की तालीम दो। तो इस रवायात के बारे में उलमा जो है वो और मुफस्सिरीन कहते हैं कि इन रवायात की सनद ज़ईफ़ है और इन रवायात को कबूल नहीं किया जा सकता, चूँकि खुद कुरान करीम पूरा का पूरा इंसान के लिए जो है वो चाहे वो मर्द हो या औरत सब के लिए हिदायत का बायस है। और दास्तान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में भी कोई ऐसी बात नहीं कि जो खुदा न खास्ता जो है वो उनके इनराफ़ का बायस बने, बल्कि हिदायत ही हिदायत है, बल्कि इबरत मौजूद है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना और खुदा ताला की गैबी मदद उनके आना और बंद दरवाज़ों का खुल जाना, और एक तरफ जो है वो ज़ुलेखा जो है वो अपनी हवस के पीछे जाना, और ये भी इबरत का बायस है कि इंसान किस तरह से इंसान को, और फिर बाद में पशीमान उसका होना, ये इसके अंदर मौजूद इबरतें चाहे मर्द हो या औरत सब के लिए इस किस्से के अंदर मौजूद हैं कि इंसान हर हाल में चाहे उसे कोई देखने वाला ना हो लेकिन वो उस ज़ात परवरदिगार के ऊपर जो है वो
तकिया करे और उस जात की तरफ तवज्जो रखे कि जो उसको हर लहजे हर लम्हे देख रहा है, चाहे कोई और देखने वाला ना हो। तो लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये दास्तान सब के लिए बायस इबरत है और इंसान के ईमान को ताज़ा करने का बायस है। तो लिहाजा बयान किया गया कि ये रवायात जो है वो उनकी कोई बुनियाद नहीं है। अब हम इस सूरत को आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा हरूफ मुकत्तआत में से है और हरूफ मुकत्तआत के बारे में पहले भी मुख्तलिफ सूरतों में तस्करा हो चुका कि हरूफ मुकत्तआत के बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं और सबसे अहम यही है कि ये हरूफ अजमत कुरान की निशानी है, इस बात का मजहर है कि ये अमीक मानी और इतना आली मफाहीम पर मुश्तमिल ये आयात जो है इन सादा तरीन अल्फाज यानी अलिफ बा से अज्जा से तरकीब दी गई हैं। और अगर तुम भी समझते हो कि ये खुदा की तरफ से नहीं है तो तुम भी इन्हीं हरूफ और कलेमात से इस जैसी कलाम ले हो, यानी इसका मकसद ये हो सकता है एक ताबीर के मुताबिक। और इससे पहले भी हरूफ मुकत्तआत हम सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह आराफ में जो वहाँ पे बात हो चुकी, ये अजमत कुरान को बयान करते हैं और ज़्यादातर मक्की सूरतों में ये हरूफ मुकत्तआत जब हमें देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, और यानी खुद एक तरह के चैलेंज को बयान करते हैं कि ये कुरान भी इन्हीं हरूफ से मिलकर बना है, अगरचे इसका हदफ और इसका गर्ज शायद कुछ ये भी बयान किया जाता है कि ये रमूज हैं खुदा और रसूल के दरमियान और ख़ास कोड वर्ड्स हैं, लेकिन इसके अदब और मकसद के और इसके मानी क्या हैं इसकी तफसील किसी को मालूम नहीं। हाँ ये कि ये बयान किया गया है कि अजमत कुरान पर दलालत करते हैं ये हरूफ। और जहाँ पे भी हम देखते हैं ये हरूफ हरूफ मुकत्तआत मौजूद है उसके फौरन बाद अजमत कुरान की तरफ इशारा मौजूद है, जैसे यहाँ पे भी है कि अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, कि ये वाज़े किताब रोशन किताब की आयात हैं, अल किताबुल मुबीन वाज़े और रोशन किताब की आयात हैं। और तिलका का जो इशारा है दूर के लिए है और ये दूर के लिए इशारा ही नहीं उसकी अजमत को बयान करने के लिए, बाज़ दफ़ा जैसे सूरह बकरा की इब्तिदा में फरमाया ज़ालिकल किताब, ठीक है, ये नहीं फरमाया हाज़िहिल हाज़ल किताब, ये नहीं, ज़ालिकल किताब ज़ालिका दूर के लिए, दूर की अजमत को बयान करने के लिए, उसकी अजमत और उसकी बुलंदी और बुजुर्गी को बयान करने के लिए दूर का इशारा किया जाता। तो यहाँ पे भी तिल का आयातुल किताब, ठीक है, तो यानी दूर का इशारा करके उसकी अजमत और बुजुर्गी को और बुलंदी को बयान किया, आया ये आयात इतनी बुलंद है इतने बुलंद मरतबा हैं जो कि किताब मुबीन की आयात हैं। और कुरान करीम फिर अगली आयत में ये इरशाद फरमाते हैं इन्ना अंजलनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअक़िलून, बेशक हमने इसे नाजिल किया, इन्ना अंजलनाहु हमने इसको नाजिल किया कुरआनन अरबियन अरबी कुरान के तौर पर लअल्लकुम तअक़िलून ताकि तुम अक्ल से काम लो। अब इस आयत में एक तो ये बयान फरमाया कि इन्ना अंज़लना, जहाँ पे इन्ना जैसे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, ठीक है, इन्ना अंज़लना यहाँ पे जब इन्ना के ज़रिए से बात आती है तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत का जब इजहार करना चाहता है तो इन्ना के ज़रिए बयान फरमाता है, यानी जैसे हम भी मामूल कहते हैं हमने ये काम किया, हम हैं वो जिन्होंने ये किया, हमने ये, यानी अल्लाह ताला जब अपनी कुदरत का इजहार करना चाहता है, अपनी कुदरत नुमाई करना चाहता है, बयान करना चाहता है अपनी अजमत और अपनी कुदरत को, तो इन्ना के ज़रिए से खिताब फरमाता है, इन्ना अंज़लना हम हैं वो जिन्होंने, यानी खुदा अपनी अजमत और बुजुर्गी और अपनी कुदरत को बयान करते हैं कि वो खुदा किस कदर अजीम है, वो खुदा किस कदर कुदरतमंद है, वो खुदा किस कदर हिकमत रखने वाला है कि जिसने इतनी अजीम किताब नाजिल की है जो कुरआनन अरबी है, अरबी कुरान है।
عربی میں نازل کیا اس لیے کہ عربی زبان کے اندر وہ وسعت ہے کہ جو کسی زبان کے اندر نہیں ہے. لسان عربی, زبان عربی جو ہے اس کے اندر وہ وسعت اور ان کے کلمات کے اندر, ایک ایک کلمے کے اندر جو ہے وہ بحر بے کرام موجود ہوتا ہے. ایک ایک کلمہ اتنا اس کے اندر وسعت اور اتنے معنی کے اندر گنجائش موجود ہے کہ اگر ایک ایک کلمے کی اگر تشریح کرنا شروع ہو جائے تو پوری پوری کتابیں, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم کی کتنی تفسیریں لکھی جا چکی, کتنے تشریح لکھی جا چکی, لیکن اس کے باوجود ابھی بھی گنجائش موجود ہے. اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ نئی تفاسیر کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کلمات کے اندر بہت وسعت اور گہرائی موجود ہے. تو ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ صاحبان عقل کے لیے ہے, جو سمجھتے ہیں, جو عقل سے کام لیتے ہیں, جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی قرآن, اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم میں ایسے مطالب ہیں, اتنی گہرائی موجود ہے کہ انسان جو ہے وہ صاحبان عقل, صاحبان فکر, صاحبان عقل رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر بہترین جو ہے وہ درس موجود ہے, بہترین پیغام موجود ہے جو اپنے عقل سے کام لیتا ہے. پھر یعنی بصیرت کا باعث ہے, جب انسان عقل سے کام لیتا ہے تو اس کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی دانائی میں اضافہ ہوتا ہے. پھر یہ ارشاد فرمایا اگلی آیت میں, نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن, ہم نے, نحن نقص علیک, ہم نے آپ پر بہترین قصے بیان کیے ہیں, یا ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصے, بما اوحینا, اس کے لیے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف اس قرآن کی, یعنی اس قرآن کی وحی کر کے آپ پر بہترین قصے ہم بیان کرتے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اگرچہ اس سے پہلے آپ غافلین میں سے, یعنی آپ کو معلوم نہیں تھا ان قصوں کے بارے میں, خبر نہیں رکھتے تھے. اب اس آیت میں قرآن نے اس قصے کو, قرآن کے قصوں کو احسن القصص کہا ہے, یعنی بہترین قصے, بہترین قصے شمار کیا ہے. آیا فقط یہی قصہ, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام والا قصہ ہی احسن القصص ہے, یا قرآن کے باقی قصے بھی احسن القصص ہیں؟ یقیناً سب قصے بہترین قصے ہیں, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو واقعہ, یہ قصہ جو ایک ساتھ بیان ہوا ہے تفصیل کے ساتھ, اور انتہائی خوبصورت الفاظ اس کے اندر موجود ہیں, اور انتہائی دلکش انداز سے بیان ہوا ہے کہ جس کے اندر حکمتیں موجود ہیں, جس کے اندر عبرت موجود ہے, جس کے اندر درس موجود ہے, تو اس کو احسن القصص کہا ہے کہ انتہائی زیبا بیان ہے, انتہائی اس کے اندر فصاحت و بلاغت موجود ہے, نہایت اعلیٰ اور عمیق مطالب اور معانی موجود ہیں, اور انتہائی شیریں جو ہے وہ زبان موجود ہے. اس وجہ سے اس کو احسن القصص, بہترین قصہ کہا گیا ہے, کہ یہ قرآن کریم کا قصہ سب بہترین قصوں میں سے بہترین قصہ ہے. یا روایات میں بھی ہے کہ احسن القصص, یعنی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہترین قصہ ہے. اور قرآن کریم کو احسن القصص کہا گیا, اگرچہ قرآن کریم میں فقط قصے نہیں ہیں, یہ قرآن کریم حکمت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے, اور اگر قصے بھی بیان ہوئے ہیں تو اس لیے کہ انسان جو ہے وہ ہدایت حاصل کرے, یعنی ہدف ہدایت ہے, ہدف یہ کہ رہنمائی ہے. لیکن انتہائی خوبصورت انداز سے ان مختلف قصوں کو بیان کیا گیا کہ جو انسان کے لیے عبرت کا باعث ہے, کیونکہ انسان طبعاً
जो है वो पसंद करता है किसों को। यानी आप देखें कि इंसान जिस भी एज में हो, बच्चा खुशन, बच्चे तो वैसे दास्तान को पसंद करते हैं, बच्चे हो बड़े हो सब, हर एज में जब किस्से की सूरत में बात बयान की जाती है तो वो इंसान जो है वो उसकी तरफ रगबत रखता है और उसमें तवज्जो करता है। तो इसी वजह से कुरान करीम ने गुज़श्ता लोगों के किस्सों को बयान किया है कि लोगों की दिलचस्पी भी रहे और इबरत का बायस बने और इंसान मुतवज्जे हो जाए कि गुज़श्ता लोगों के साथ क्या गुजरी और जिन्होंने जो ईमान लेके आए, जो ईमान नहीं लेके आए उनके साथ क्या हुआ, ताकि इंसान जो है वो मुतवज्जे हो जाए। अब फरमाया कि इस ये जो हमने अहसन कसस बयान किए, बेहतरीन कस्से बयान किए हैं, उस वही के ज़रिए से है जो आपने वही आपकी तरफ की है इस कुरान की। यानी अगर हम ये वही ना करते तो आपको इन किस्सों की, इन वाकयात की खबर ना थी। तो इससे ये पता चलता है, यानी ये बताना मकसूद है कि कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से है, यानी रसूल खुदा ने खुद से नहीं बना लिया, खुद से नहीं गढ़ लिया। जैसे कि जो है वो कुफार मुशरिकीन जो ये कहते थे कि ये कुरान खुद उसने गढ़ लिया है, खुद ही किसे बयान करता है, नहीं, जब बयान कर दिया कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से, और इसकी एकानियत को बयान कर दिया कि ये कुरान वही इलाही है और रसूल खुदा को खबर नहीं थी। हाँ, तो इसलिए पता चलता है, देखें अगर रसूल असल इल्म गैब मुतलक इल्म गैब खुदा के पास है, अगर रसूल खुदा या आइम्मा मासूमीन को किसी वाक़े या किसी गैब की बात की खबर होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से तालीम के जरिए से होती है। यानी जब अल्लाह चाहता है उनको तालीम देता है। तो जैसे रसूल खुदा के बारे में यहाँ पे बयान कर दिया कि आपको खबर ना थी कि हज़रत यूसुफ का किस्सा क्या है, यानी अल्लाह ने उनको बता दिया, अल्लाह ने तालीम दी, क्योंकि रसूल खुदा या आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम को तालीम अल्लाह ने दी है, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से तालीम याफ्ता थे। रसूल खुदा ने किसी से, दुनिया के किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, अल्लाह ताला की तरफ से तालीम याफ्ता थे, अल्लाह ने उन्हें तालीम दी थी। यानी इल्मे लदुन्नी जो कहते हैं हम, इल्मे लदुन्नी का मतलब ये लदुन मिन हकीम इन अलीम, यानी ये इल्म अल्लाह के उस अलीम उन हकीम की तरफ से उनको इनायत शुदा है। तो लिहाजा ये किलकिन, यानी अगर हम आपकी तरफ वही ना करते, आपको तालीम ना देते तो आपको इसकी खबर ना थी, नहीं जानते थे। तो इसे मालूम ये हुआ कि इल्म गैब फकत और फकत खुदा के हाथ में है। हाँ, खुदा अपने बंदों अंबिया आइमा मासूमीन को जहाँ चाहता है और जिस मिकदार में चाहता है उनको उससे आशना कर देता है और तालीम दे देता है। फिर अगली आयत में इरशाद फरमाया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में वारिद होती, फरमाते हुए क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबति इन्नी रअईतु अहद आशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअईतुहुम ली साजिदीन, कि जब यूसुफ ने अपने बाबा से कहा ए मेरे बाबा इन्नी रअईतु, बेशक मैंने देखा है, अहद आशर कौकबन 11 सितारों को, वश्शम्स वल क़मर और सूरज और चाँद को, रअईतुहुम ली, मैंने देखा है उन्हें कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। 11 सितारे देखे, एक सूरज और चाँद देखे, सब मुझे सजदा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की किस्से की आगाज़, यानी ये एक कुरान करीम का एक किस्सा बयान करने का तरीका है। अब ये नहीं कहा कि पहले तारुफ करें कि यूसुफ कौन थे, याकूब कौन थे, हज़रत यूसुफ, हज़रत याकूब किसके बेटे थे, कब पैदा हुए, फिर याकूब, ये नहीं है, बल्कि कुरान असल मतलब की तरफ आ जाता है और किस्से की इब्तिदा हो रही है इससे कि हज़रत यूसुफ ने ख्वाब देखी और उस ख्वाब को बयान किया अपने वालिद से। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मालूम है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम याकूब के बेटे थे, और याकूब हज़रत इसहाक़ के बेटे थे, हज़रत इसहाक़ हज़रत इब्राहिम के, यानी सिलसिला हज़रत इब्राहिम तक है, यानी हज़रत यूसुफ़ बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहिम। हज़रत इब्राहिम के दो बेटे हैं, हज़रत इसहाक़ और हज़रत इस्माईल। तो हज़रत इसहाक़ की नस्ल से जो है वो ये
जो बनी इसराइल के अंबिया का सिलसिला जो है चलता है, हजरत याकूब और यूसुफ, और फिर इसी तरह से हजरत याकूब के दूसरे बेटे जो है वो उनसे आगे नस्ल सिलसिला चलता है मुख्तलिफ अंबिया का। लेकिन हजरत इस्माइल की नस्ल से कोई नबी नहीं, यहाँ तक कि रसूल खुदा आते हैं, यानी रसूल खुदा तक जो है उनके बाबाजदाद का सिलसिला चलता रहता है। औसिया थे लेकिन नबी नहीं थे, हजरत इस्माइल की नस्ल से रसूल खुदा है। तो ये जो है वो फलस्तीन की वादी हबरून, जिसे आज अलखलील भी कहते हैं, वहाँ पे रहते थे, वहाँ पैदा हुए। और बाद में जो है उन्होंने मिस्र की तरफ, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में गए और ये सारा वाक़ तो फिर मिस्र की तरफ उन्होंने हिजरत की। तो लिहाजा ये फलस्तीन के इलाके में रहते थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 17 साल के थे कि जब उनको मिस्र में लाया गया, बाद मुल्कों तक आ 13 साल थे, बस 17 साल थे वो, थे यानी अभी छोटे थे, अलबत्त बच्चे थे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखी और फिर आपके बाप ने कहा कि यह बेटा ये किसी से ना मैंने, यानी ये हकीकत में एक ख्वाब थी जिसकी ताबीर होनी थी और बयान की हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कि इसकी ताबीर क्या है कि आपको तो ऐसा बुलंद मकाम अता फरमाएंगे अल्लाह ताला के आपके भाई भी आपके सामने झुकेंगे, सजदे ریز होंगे। तो ख्वाब जो है वो आप देखें, ख्वाब के हवाले से कुरान करीम ने बयान किया, लेकिन ख्वाब हमेशा सच्ची नहीं होती, लेकिन अम्बिया के ख्वाब सच्चे होते हैं। हज़रत इब्राहिम ने भी ख्वाब, हज़रत इब्राहिम ने ख्वाब देखी कि मैं अपने बेटे गन्नी अजबाह का या बना अन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अजबाह का परवर तक, अरे बेटे मैंने ख्वाब देखी मेरे, यानी नबी की ख्वाब गोया एक वही की तरह होती है, यानी जिस तरह से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ख्वाब देखी दो पहली बार देखी, दूसरी बार 3 बार देखी, फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को कहा कि ये अल्लाह ताला का शायद हुक्म यही है कि मैं तुम्हें ज़िबह करूँ। तो नबी की ख्वाब हमेशा सच्ची होती है और गोया कि वही की तरह होती है। तो रोया जो रसूल खुदा की एक रवायत है कि जो ख्वाब है, ख्वाब की 3 किस्में हैं, कभी अल्लाह की तरफ से बशारत होती है, कभी शैतान की तरफ से गमजदा करने के लिए होती है, ये हमारी ख्वाबें जो इंसान आम रूटीन में हमारी जो ख्वाबें हैं, कभी अल्लाह की तरफ से बशारत होती है, कभी शैतान की तरफ से गमजदा करने के लिए होती है, और कभी ऐसी बातें होती हैं कि जिनके बारे में इंसान अपने जहन में ज़्यादा सोचता है तो वही ख्वाब की सूरत में नज़र आ जाती है। अक्सर हमारी यही होती हैं, हम रूटीन में रोज़मर्रा काम जो कर रहे होते हैं और या सोच रहे होते हैं या सोचते सोचते सो जाते हैं, तो वही हमारी परेशान ख्वाबें उनको कहलाती हैं। तो वो ख्वाब में वही चीज़ें, वही रात में भी ख्वाब में भी वही इसी जगह फिर रहे होते हैं। तो ये 3 किस्म ज़्यादातर होती है, ठीक है। एक जो है मुमकिन है खुदा की तरफ से बिशारत हो, कभी शैतान की तरफ से इंसान को गमजदा करने के लिए की जा होती है, और कभी ऐसी बातें होती है जो इंसान ज़्यादा जहन में सोचता है तो वो ख्वाब की सूरत में इंसान के सामने आ जाती है। तो अगली आयत में इरशाद फरमाया, क़ाल या बुनैया ला तक़सुस रुयाका अला इख्वातिका वयकीदु लका कैदन इन्न शैतान लिलइंसान अदुव्वुन मुबीन। फरमाया कि हज़रत याकूब ने हज़रत यूसुफ से फरमाया, ए मेरे बेटे ला तक़सुस रुयाका, अपने इस ख्वाब को अपने भाइयों से बयान न करना, फयकीदु लका कैदन, पस वो तेरे खिलाफ चाल चलेंगे। कैद चाल चलने को कहते हैं, फयकीदु पस वो कैद करेंगे यानी चाल चलेंगे, लका तेरे लिए कैदन बड़ी चाल चलेंगे। इन शैताना लिल इंसान अदुवन मुबीन, बेशक इंसान शैतान का खुला दुश्मन है। यानी हजरत यूसुफ ने जब अपने बाप को ख्वाब बताई तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मुतवज्जे हो गए कि हजरत यूसुफ को एक अल्लाह की तरफ से एक मकाम मिलने वाला है, एक मनसब मिलने वाला है, एक ओहदा मिलने वाला है, ये कोई ख्वाब आम ख्वाब नहीं है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस चीज़ को जांच गए, फाम फरासत रखते थे इस चीज़ की, तो लिहाजा मुतवज्जे हुए कि
अगर इनके भाइयों को इस चीज़ का पता चला तो वो उनसे हसद करेंगे, हसद करेंगे, और शैतान ऐसा ना हो कि इनके दरमियान जो है वो हसद डाल दे और उनके दरमियान दुश्मनी और अदावत डाल दे। हजरत, चूँकि आप हजरत याकूब इस चीज़ को मद्दनज़र पहले भी उनके रवैयों से देख चुके थे इस चीज़ को कि मुख्तलिफ बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के, 11 बेटे और हजरत यूसुफ 12वें थे, तो ये जो वो उनके दरमियान आपस में झगड़े लड़ाइयाँ ये चीज़ें, चूँकि उनकी वाल माएँ मुख्तलिफ थीं और फिर इस तरह से, तो ये चीज़ देख रहे थे कि अगर हज़रत यूसुफ ने उनको की ख्वाब सुनाई तो उनकी हसद करेंगे और मुमकिन है कि उनको नुकसान पहुँचे। फरमाया कि ऐसा ना हो कि ये जो है वो तुम्हारे खिलाफ कुछ चाल चलें, ठीक है, चाल चलें। और चूंकि शैतान जो इंसान का खुला दुश्मन है, यानी शैतान इस हरबे से इस्तेफादा करे और हसद की आग भड़का दे और ऐसा ना हो कि वो इसी हसद की बुनियाद पर तेरे लिए कोई ऐसा काम करे कि जो तुम्हारे लिए नुकसान का बायस हो। यानी एक तरह से आपको एहतियात करने का हुक्म दिया कि आप एहतियात करें। बहरहाल जैसे कि आपने देखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फिल्म में भी और रवायत में भी कि किसी तरह से उनको बहरहाल खबर हो गई उनके भाइयों को, किसी वालदा ने सुन लिया था, उनकी किसी माँ ने सुन लिया था, या इस तरह से कि उन्होंने आगाही दे दी और इस तरह से खबर बहरहाल उनको हो गई, तो उनको पता चल गया और फिर उन्होंने हज़रत यूसुफ के ख़िलाफ़ चाल चलना शुरू कर दी। हज़रत यूसुफ ने तो नहीं बयान किया, लेकिन बिलाखिर उनको किसी न किसी तरह से उनको खबर हो गई किस तरह से हज़रत यूसुफ ने ख्वाब देखी है, और ख्वाब की ताबीर भी इस तरह से है कि उनको बड़ा मनसब और ओहदा मिलने वाला है। तो अब वो जो कि पहले ही हज़रत यूसुफ से रसूल हज़रत इब्राहिम की ख़ास उल्फत भी थी, एक ख़ास मोहब्बत भी थी, शायद इसी मकाम और मनसब की बुनियाद पर जो अल्लाह की तरफ से मिलना था तो ख़ास मोहब्बत और उनस रखते थे, तो इस वजह से वो पहले भी थोड़ा हसद करते थे कि ये क्यों इतना इनको अहमियत देते हैं। और जैसे कि बाद की आयात से ही पता चलता है, तो लिहाजा उन्होंने चाल चली। पर मैं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वाज दुश्मन, अदूवन मुबीन, यानी एक दफ़ा होता है ना दुश्मन ढका छुपा होता है, नहीं, शैतान अदूवन मुबीन है, वाज दुश्मन है, यानी उसने ऐलान, यानी ऐलान किया है कि मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी करूँगा, जो करना है कर लो मेरे साथ। लेकिन ताज्जुब यही है कि इंसान हमेशा उसके धोखे में आ जाता है, यानी वो दुश्मन के जिसने ऐलान किया है कि मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी करूँगा और जिस हद तक हो सका दुश्मनी करूँगा और तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और इंसान फिर उसके फ्रेम में आ जाता है। यही ताज्जुब है कि इंसान उससे कई बार 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 डसा जाता है उस दुश्मन से जो कि उसका खुला दुश्मन है, उसको फिर फरेब दे देता है, किसी न किसी तरह से उसको चक्कर में फंसा लेता है। फिर इरशाद फरमाया कि वकज़ाले का यजतबी का रब्बो का वयुअल्लिमो का मिन तावील अलहदीस, यानी हज़रत यूसुफ को वही किस उस ख्वाब की ताबीर बयान कर रहे हैं हज़रत याकूब, और इसी तरह से आपका रब आपको बरगजीदा करेगा, आपको इंतखाब करेगा, आपको चुन लेगा, वही वालमों का, और तुम आपको तालीम देगा मिन तावील अहादीस, ख्वाबों की ताबीर बताने की, तावील अहादीस यानी ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा, वही तिम नमत वाले का, और आप पर तुम पर तुम्हारी नेमत को तमाम करेगा, अपनी नेमत को तुम पर तमाम करेगा, वाला आले याकूब और आले याकूब पर, यानी आपको भी नबूवत का दर्जा देगा और उसके बाद आले याकूब में से और लोगों को भी, कमा अतम आला अबवाई का, जिस तरह से उसने अपनी नेमत को तमाम किया आपके अबाव अजदाद बिन काबिल, इससे पहले इब्राहिम और इसहाक, इब्राहिम और इसहाक पर जिस तरह से उसने अपनी नेमत को तमाम किया था, इसी तरह से आप पर भी अपनी नेमत को तमाम करेगा। इन रब्बा कालीम हकीम, बेशक तेरा परवरदिगार जानने वाला भी है और हिकमत वाला भी है। तो हज़रत याकूब ने ख्वाब की ताबीर को तफसील से बयान किया, पहले तो मुतवज्जे किया फौरन कि ये बात आप छुपा के रखें और किसी को ना बताएं, और इसके बाद ख्वाब की ताबीर भी
तफसील से बयान की अल्लाह ताला ने आपको मनसब नबूवत अता फरमाना है, बुलंद मुकाम अता फरमाना है और आपको इंतखाब कर लिया है एक मनसब नबूवत के लिए, और साथ साथ ये कि आपको ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी इनायत करेगा। अच्छा, अब तावील अहदीस, बाज़ ने कहा ख्वाबों की ताबीर, लेकिन इससे मुराद ये भी हो सकता है कि मामला फहमी अता फरमाएगा, यानी हर मामले को आप अंजाम संगी कि एक आपके अंदर एक ऐसी इस्तेदाद, ऐसी कुवत रखेगा कि अहदीस से, हदीस यानी कलाम से लिया जाए, यानी तावील अहदीस यानी कलाम की जड़ तक जाना, यानी कलाम की फहम हासिल करना, यानी इस तरह से कि उसकी ताबीर, इसी वजह से तावील अहदीस ताबीर ख्वाब भी बयान माना लिया गया है। लेकिन ये भी लिया जा सकता है हर मामला की जड़ तक जाना, हर मामले के बारे में खूब सूझबूझ हासिल करना कि आपको इतना अल्लाह ताला बसीरत अता करेगा कि आप मामले की जड़ तक पहुँचेंगे। इस तरह से आप जो है वो ख्वाबों की ताबीर भी लिया जा सकता है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाबों की ताबीर भी करते थे और मामले की तह तक भी पहुँच सकते थे, इतनी बसीरत अता की थी हजरत यूसुफ को अल्लाह ताला ने, तो जिसकी बुनियाद पे उन्होंने मिस्र में हुकूमत हासिल की। तो ये भी बयान फरमाया और फरमाया कि तुम पर अल्लाह अपनी नेमत को तमाम करेगा जिस तरह के आपके अबा यानी कि आपके बाप दादा हजरत या इब्राहिम हजरत इसहाक पर अपनी नेमत तमाम की, और वो नेमत नेमत नबूवत और विलायत थी, जिस तरह यानी आप पर भी और आपकी और आले याकूब पर भी, यानी हजरत यूसुफ के बाद जो बाकी अंबिया गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई थी, कि बाद में भी इस चीज़ का तज़किरा हो गया कि यानी ये बयान कर दिया कि ये अल्लाह ताला ने हमारी नस्ल में जो नबूवत अता करनी है, यानी हज़रत इब्राहिम के बाद याकूब और याकूब पर हज़रत इसहाक और याकूब, और फिर आपको नबूवत अनात होनी है और फिर आपके बाद भी हमारी नस्ल से जो है वो नबूवत हासिल होनी है मुख्तलिफ लोगों को। लेकिन फरमाया कि नरबा का अलीम और हकीम, तेरा परवरदिगार अलीम भी है और हकीम भी है, वही बेहतर जानता है, इल्म रखता है, यानी बावजूद इसके कि ख्वाब की ताबीर बयान कर दी, लेकिन फरमाया कि तेरा परवरदिगार से ज़्यादा इल्म रखता है और वही हिकमत रखता है। और ये तवाज़ो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की, बावजूद इसके कि ख्वाबों की ख्वाब की ताबीर भी बयान कर दिया, लेकिन ये भी बयान कर दिया कि खुदा बेहतर जानता है, वो ज़्यादा इल्म रखता है और वो हिकमत रखता है, वो हकीम भी है। अच्छा, उसके बाद अगली आयत में इरशाद फरमाया लक़द कानत यूसुफ़ा व इख़वती आयातुन लिस्साइलीन, फिर अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि बेतहक़ीक यूसुफ़ और उनके भाइयों के किस्से में साइलीन के लिए, पूछने वालों के लिए निशानियां हैं। अब इस शायद से ये भी पता चलता है कि यूसुफ़ बरादरान यूसुफ़ और किस्से यूसुफ के बारे में रसूल से सवाल किया गया, यानी मौरद सवाल वाकई हुए थे, और इसलिए फरमाया कि साइलीन के लिए, सवाल करने वालों के लिए निशानियां हैं। यानी ये निशानियां हैं किस चीज़ पर? निशानियाँ इस बात पर कि ये कुरान हक है, ये कुरान अल्लाह की तरफ से है और रसूल खुदा ने अपनी तरफ से नहीं गढ़ा, और ये रसूल खुदा की नबूवत के ऊपर भी निशानी है कि वो अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह की तरफ से उन पर वही नाजिल होती है और ये कलाम अल्लाह ताला का कलाम है। ये निशानियां हैं अल्लाह की कुदरत की, अल्लाह के इल्म की, अल्लाह की हाकमियत की निशानियां इसके अंदर मौजूद हैं कि खुदा ताला किस तरीके से एक कमसन बच्चे को, जिसको कुएं में फेंक दिया गया, उसको उठाता है, कुएं से निकालता है और उसको मिस्र की हुकूमत जो है वो में बेहतरीन मकाम अता फरमा दे देता है, कि जो उस ज़माने में सबसे बड़ी हुकूमत थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, एक बहुत बड़ी शहनशाही थी, कि वहाँ पे किस तरीके से अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की हिकमत के ऊपर और अल्लाह ताला की तदबीर की निशानियाँ हैं कि खुदा ताला किस तरह से तदबीर फरमाता है। अल्लाह की तदबीर के ऊपर ईमान लाना इंसान के लिए ज़रूरी है। ये आयात हैं, निशानियाँ हैं इस बात के ऊपर कि अगर हम अल्लाह की तदबीर पर ईमान लें, कभी भी हम
अपनी तदबीर और अपनी अकल के ऊपर भरोसा न करें, बल्कि अल्लाह की तदबीर, अल्लाह ताला की रबूबियत के ऊपर ईमान लें, उस पर तवक्कुल करें। तवक्कुल का मतलब यही है, तवक्कुल का मतलब ये है कि इंसान कोशिश अपनी नई कोशिश करे, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की इल्म और हिकमत के ऊपर जो है वो भरोसा करे कि वो खुदा ताला जो बेहतरीन फैसला करने वाला है, बेहतरीन तदबीर करने वाला है। कि आप जैसे बयान के तब देखें कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में इंसान के लिए किस कदर इबरत और किस कदर दर्स है कि अगर आपको ज़माना गिराना चाहे, जितना मर्जी गिराना चाहे, तो आप जो कुएँ में भी गिरा दे, तारीख कुएँ में गिरा दे कि जहाँ बज़ाहिर निकलने का कोई चांस नहीं है, ऐसा कुआँ जुदूर अफ्तादा है, उसकी तरफ कोई जाता ही नहीं है, कोई कुएँ में कौन जाएगा, और रास्ते से भी हट के है बिल्कुल, कि जहाँ पे बिल्कुल तुम्हारा आपके लिए कोई निकलने के चांस भी नहीं है, लेकिन जब खुदा चाहे तो उस कुएँ से तुम्हें निकाल कर मिस्र की सल्तनत और मिस्र की बादशाहत तक लेके जा सकता है। ये दुनिया मिल के भी तुम्हें गिराना चाहे, लेकिन अगर खुदा चाहे तो तुम्हें उठा सकता है। ये अल्लाह ताला के ऊपर ईमान है, कुदरत इन अल्लाह ताला की तदबीर के ऊपर ईमान होना चाहिए इंसान को, कि अगर बज़ाहिर आपके पास, आपके सामने सारे रास्ते बंद हो गए हों, कोई रास्ता नहीं हो, नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के ऊपर इतना तवक्कुल होना चाहिए कि अगर खुदा चाहे तो इन बंद रास्तों को भी खोल सकता है, इन बंद रास्तों को खोल सकता है, हमारे लिए रास्ते हमवार कर सकता है। लिहाजा ये एक अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा और अल्लाह की तवक्कुल और अल्लाह ताला की इल्म और कुदरत और हिकमत और अल्लाह की तदबीर के लिए के बारे में बेहतरीन निशानियाँ इसके अंदर मौजूद हैं हज़रत यूसुफ़ के किस्से में। फिर आगे फरमाया कि इज़ क़ालू लियूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बा, कि जब यूसुफ के भाइयों ने कहा, इज़ क़ालू लियूसुफ़ व अख़ूहु, उन्होंने कहा यूसुफ़ व अख़ूहु, उन्होंने ये कहा कि यूसुफ़ और उसका भाई, हज़रत यूसुफ़ और उसका भाई, अहब्बो इलैना, हमारे हमसे बढ़कर महबूब हैं हमारे बाबा को, हमारे बाबा के नज़दीक जो है वो बाबा को हमसे ज़्यादा महबूब हैं, वो हमसे बढ़कर महबूब हैं, बोलदार हालांकि हम जो है वो उस बातों हम एक मजबूत जमात हैं, इन्ना अबाना लफी वाल मुबीन, बेशक हमारा बाप तो खुली गलती पर है, सरी गलती पर है। तो यहाँ बयान करना मकसूद है कि यहीं हज़रत यूसुफ़ के भाई जो हैं वो इब्तदा से ही उनके दिलों में थोड़ा हसद मौजूद है, हज़रत यूसुफ़ और उनके भाई के बारे में, हज़रत यूसुफ़ और उनके भाई यानी बनियामीन जो एक ही वालदा से हैं, एक ही माँ से हैं, और बाकी जो भाई हैं वो मुख्तलिफ दीगर माँओं से हैं। तो हज़रत या यूसुफ़ की जो वालदा थी बनियामीन, वो बनियामीन की बनियामीन और यूसुफ़ की वालदा जो थी राहील, वफात पा चुकी थी, क्योंकि हज़रत यानी हज़रत बनियामीन जब पैदा हुए तो वफात पा गई थी, तो इस वजह से वो चूँकि छोटे रह गए थे ये, तो इस वजह से इनकी बच्चों की तरफ इन पर ज़्यादा तवज्जो थी हज़रत याकूब के, यूसुफ़ और उनके भाई को, कि ताकि ये बच्चे हैं छोटे हैं, उन बाकियों की माएँ मौजूद थी, इनकी माँ नहीं थी, इस वजह से भी उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो थी। तो वो चीज़ ये लाड प्यार शायद बायस बना कि वो, हालांकि वो बड़े हो चुके थे कि, और शैतान ने खैर उनके दिलों में हसद डाल दिया था, और फिर ये बाद में ख्वाब का वाक्य भी पेश आ गया और उनके कानों में बात पहुंच गई, तो ये मज़ीद हसद की आग में भड़काने का बायस बना। तो अब इसी जुमले से ये पता चलता है कि उनमें हसद मौजूद है, और इस कुरान की इस ताबीर ने बयान किया कि यूसुफ के जो भाई थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यूसुफ और उसका भाई जो है वो हमारे बाबा के नज़दीक हमसे ज़्यादा महबूब है, दरहाल कि हम उस्बा हैं, हम एक कवि जमात हैं। अब उस दौर में उस ज़माने में ज़ाहिर बात है मज़बूत बदन यानी हम मज़बूत लोग हैं, और हम यानी तमाम घर के काम, भेड़ बकरियाँ चराना, दीगर जितने अमूर हैं वो हम अंजाम देते हैं, नहनु उस्बा, तो उस्बा एक मज़बूत
मजबूत जमात के माने में है, यानी ताकतवर भी हैं बदन के एतबार से, कुव्वत के एतबार से, और हम मजबूत हैं और सारा कामों का दरमदर हमारे ऊपर है, यानी गोया के घर का निज़ाम हम चला रहे हैं, लेकिन बाप जो है उनसे मोहब्बत रखते हैं। हमारे बाप ये सारी गलती पे हैं, उन्होंने गलती की, तो बस इससे पता चलता है कि वो उनके अंदर वो हसद मौजूद था, और हसद जो है वो बाइस बनता है जुल्म का। और इसलिए इससे ये भी पता चलता है कि अगरचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का उनसे मोहब्बत करना यूसुफ और उनके भाई से एक ख़ास इल्लत थी बच्चे होने की वजह से, और फिर यूसुफ़ में वो निशानियाँ उन्होंने पहले से ही देखी हुई थी कि नबूवत की निशानियाँ उनके अंदर मौजूद है, इस वजह से भी ख़ास मोहब्बत का इज़हार था। लेकिन ये कि आम रूटीन में बच्चों के दरमियान जो है वो अदालत की रियायत करना ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि शैतान उनके दिलों में हसद डाले, कि अखलाकी नुक्ता यहाँ से निकलता है कि ऐसा ना हो कि उनके दिलों में हसद डाल दे। और आगे ये इरशाद फरमाया कि इन यूसुफ के भाइयों ने अब आपस में बैठ के मीटिंग की, और मीटिंग की क्या कहा, उक्तुलू यूसुफा अवित्रहू हो अर्दन यखलू लकुम वज्हु अबीकुम। तो उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा कि कत्ल कर दो यूसुफ को, या उसको फेंक दो ज़मीन में, एक सरजमीन में इसको फेंक दो, ताकि क्या हो, यखलू लकुम वज्हु अबीकुम, ताकि तुम्हारे बाप की तवज्जो तुम्हारे लिए खालिस हो जाए। वज्हु अबीकुम यानी तवज्जो, चेहरा, वज्हु अबीकुम तुम्हारे बाप का चेहरा, यानी तुम्हारे बाप की तवज्जो तुम्हारे लिए खाली हो जाए, यानी तुम्हारे लिए मखसूस हो जाए। वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, और तुम इसके बाद नेक लोग बन जाना। अब ये जो वो एक मीटिंग आपस में बैठते हैं, तय करते हैं, और दो तजवीज़ें सामने आती हैं, तरह तरह की बातें आपस में होते हैं, ऐसा में कोई कहते हैं कत्ल कर दिए जाए, कोई कहते हैं कि नहीं कत्ल नहीं करते बल्कि दूसरी जगह फेंक देते हैं इसको, तो ताकि वहाँ से वापस ना आ सकें। तो बहरहाल ये आपस में मीटिंग करते हैं कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो यूसुफ जो दरमियान से हट जाएंगे, ये यूसुफ बाइस बन रहे कि बाप की तवज्जो हमारी तरफ नहीं है, उसकी तरफ ज़्यादा, लिहाजा इनको दरमियान से जब हम हटा देंगे तो फिर बाप की तवज्जो हमारी तरफ हो जाएगी, वो हमें अहमियत देंगे। और फिर अपने इस बात को भी वो जानते हैं कि ये गुनाह है और जैसा करना हमारा गुनाह का बाइस बनेगा, लेकिन अपनी तरफ से अपने ज़मीर को इत्मीनान दे रहे हैं कि हम ये काम करने के बाद क्या करेंगे, तौबा कर लेंगे और फिर हम नेक साले बन जाएंगे। अब ये वही शैतान का धोखा है कि जो इंसान को देता है। आप देखें करबला के वाक़े में भी जो है वो हमें नज़र आता है, उम्र साद भी यही बात कर रहा है। उमर साद कह रहे हैं कि उसको पता है कि मौला हुसैन के मुकाबले में आना कितना बड़ा गुनाह है, और मौला हुसैन को अगर मैंने शहीद कर दिया तो मैं कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन कह रहे हैं कि मैं बाद में तौबा कर लूँगा। ठीक है, ये वो इस धोखा है कि जिसमें इंसान को शैतान इस जाल में फंसाता है। तो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो यूसुफ को हटा देते हैं रास्ते से, और बाद में क्या करेंगे, हम तौबा कर लेंगे। वतकून मिन बादी कौमन सालिहीन सारे, हालांकि इनको ये मालूम नहीं कि तौबा ऐसे नहीं है, यानी कि एक तो ये कि इंसान जानते बूझते अगर गुनाह करे और इस तरह से गुनाह करे कि जिसका जुबरान मुमकिन नहीं है, यानी एक ऐसे ज़ात ऐसे शख्सियत को कत्ल जो है और करना कि जो कि एक अजीम शख्सियत है। ठीक है, चाहे हज़रत यूसुफ उनकी नज़र में अजीम ना भी हों, बराखर कत्ल एक ऐसा मामला है कि जिसके बारे में अब जान बूझ के अंजाम दे और फिर पहले से ये इरादा हो कि हम जो है वो कर लेंगे और बाद में तौबा कर लेंगे, तो यकीनन एक ऐसा अमल है कि जो काबिल बख्शिश नहीं है। ये हकीकत में नफ्स को धोखा देना है।
और जो है वो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये वो शैतानी वसूसा और शैतानी धोखा था जिस धोखे में और वक्र और फेर में वो आ गए, और इस तरह से उन्होंने हज़रत यूसुफ़ से छुटकारा हासिल करने के लिए ये दो तजावीज़ अपने सामने रखी। और फिर आगे इरशाद फरमाया, قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف, उनमें से एक ने कहा, उनके भाइयों में से एक भाई ने कहा, एक कहने वाले ने यह कहा कि यूसुफ को कत्ल ना करो, والقوه في غيابة الجب, और उसे डाल दो गहरे कुएं में, في غيابة الجب, जो भी इन कुओं को कहते हैं غياب, गहरे कुएं में, गहराई में, कुएं की गहराई में डाल दो, यल्तकित हो बाज़ सैयारा, ताकि उसे उठा लें, ले लेंगे बाज़ सैयारा यानी काफिला, बाज़ काफिले वाले उसको निकाल लेंगे, ले जाएंगे, इन कुन तुम फ़ाइलीन, अगर तुम करनी, अगर ऐसे ही करने वाले इन यूसुफ को जुदाई करना चाहते हो तो उसको कत्ल ना करो बल्कि उसको गहरे कुएं में डाल दो। ठीक है, तो अब एक भाई जो कि निस्बतन दूसरों से नरम दिल थे, ठीक है, तो उन्होंने ये तजवीज़ दी और कि ऐसा ना करो यूसुफ को कर। जब उन्होंने देखा कि ये लोग अब इन्होंने साजिश तैयार कर ली है और अब ये पीछे हटने वाले नहीं है, तो वो एक भाई ने ये कहा कि ऐसा ना करो, अगर तुम यही करना चाहते हो तो फिर ऐसा करो कि उनको गहरे कुएं में डाल दो, ताकि जो है वो वहाँ से कोई काफिला गुजरे तो काफिला जो है वो उनको निकाल लेगा काफिले वाले, और फिर जो है वो तुम्हारे लिए भी मुश्किल हल हो जाएगी और वो भी जो है वो उनको भी कत्ल होने से वो बच जाएंगे। इस तरह से अगर तुम ऐसा करने, इनको उनको फायदे, अगर तुम ऐसा करने ही वाले हो तो फिर कति फैसला कर ही चुके हो, तो फिर ये काम कर लो, कम अज़ कम यह कि कत्ल ना करो, यानी उनको कत्ल होने से बचा लिया। फिर जो है वो कुरान करीम इस चीज़ को बयान करता है कि फिर उन्होंने इस पर काम किया और हीला सोचा, तकदीर सोची कि यूसुफ को कैसे लेके जाएं, कि जब वो माल मवेशी और बकरियाँ वगैरह चराने के लिए बैबान में जाते थे तो यूसुफ को अपने साथ कैसे लेके जाएं खेल कूद के बहाने से, और फिर जाके उनको जो है कुएं में डाल दें। तो बहरहाल यहाँ तक काफ़ी है, एक इबरतें जो है वो इस किस्से में जगह जगह पे मौजूद हैं कि इंसान को शैतान किस तरह से वर्गलाता है, किस तरह से गुमराह करता है, किस तरीके से इंसान को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाल में फंसाता है। अब ये बरादरान यूसुफ ने जो है वो अपने आप को उस जाल में फंसा दिया, शैतानी मंसूबे में, उस शैतानी मंसूबे में, शैतान की बातों में आ गए और उसकी फरेब में आ गए, और शैतान ने उनको वरगलाया और कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, यूसुफ को कत्ल कर दो, बाद में तौबा कर लेना। लेकिन हकीकत में ये ऐसी वादी में कदम रख रहे थे कि जिससे वापसी मुश्किल है, कि खुदा न खास यूसुफ को ये कत्ल कर देते थे तो मुमकिन ही नहीं था अब उनके लिए कोई निदामत हो। लेकिन बहरहाल यहाँ पे उन्होंने कत्ल नहीं किया, और एक उनके भाई ने मशवरा दिया कि दूसरों को कत्ल ना करो और उनको गहरे कुएं में डाल दो, ताकि तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाए और यूसुफ भी रास्ते से ऐसे। तो ये काफ़ी है, तो वक्त में गुंजाइश नहीं, अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम को समझने पर अमल कराने की तौफीक अता फरमाए।